वो केमिकल इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो स्टील को भी मेल्ट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, स्टील को मेल्ट करने के लिए लगभग लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का तापमान चाहिए होता है, लेकिन अनार उससे भी मेल्ट कर सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इतनी सारी जो अनारें हैं ये सारी मिलके इस ड्रम को पिघला पाती है या फिर नहीं। तुम बाबू की अनारें हैं सारी तरीके से यहां पे लग जाएगी और फिर देखते हैं कि ये सारी अनारें मिलके इसे मेल्ट कर पाती है या फिर नहीं। बहुत सारी अनारें मैंने लगा दी है यहां पर, इतनी काफी रहेगी। तो जब तक ये इसको टंकी को बांध रहे हैं, आप क्या करो, आप यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक दो तीन अनारें बांध दो, भागो यहां से, भागो भागो भागो। ऑलराइट गाइस, मैं चलाता हूं। ना 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 यार, ऐसे क्यों करेंगे यार, हम चैनल को सब्सक्राइब करो, हम अंधेरा करते हैं फिर से। एक दो तीन, लाल हो गया पूरा यार, वो पत्ती लगी है, खड्डे हो चुके हैं और ये इतना ज्यादा गर्म है कि मैं इसके पास ही है। गाइस इसके अंदर पानी डालते फिर देखते क्या होता है। मैंने तो नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वाह यार।